गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का लेसन नंबर 1, इनदर चांस। इनदर मीन्स होता है हमारा दूसरा, चांस मीन्स होता है मौका, दूसरा मौका। तो आइए हम ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए इस पोएम को जो है पढ़ते हैं। हाउ ऑफन वी विश इनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, ए चांस टू बोल्ड आउट आवर मिस्टेक्स, ए चेंज फेलर इंटू विनिंग। प्रायः कितनी बार हम ये इच्छा करते हैं कि एक नई शुरुआत के लिए एक दूसरा मौका मिले, एक मौका अपनी गलतियों को सुधारने का, एक मौका अपनी हार को जीत में बदलने का। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हर्ट। एक नई शुरुआत करने के लिए एक नया दिन नहीं चाहिए। ब्रांड न्यू मतलब बिल्कुल नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए हमको कह रहा है, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, एक नया दिन नहीं चाहिए। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक जो है नया स्टार्ट करने के लिए, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, ये केवल जो है एक गहरी इच्छा की ज़रूरत है, एक जो है गहरी भावना की ज़रूरत है। टू ट्राई, और किस चीज़ की ज़रूरत है, टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे जो है हृदय से जो है प्रयास करने की ज़रूरत है। किसके लिए, एक नए स्टार्ट के लिए। टू लाइव ए लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज वी फॉर गिविंग एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। टू लिव ए लिटिल बेटर, थोड़ा सा अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, एंड टू ऑलवेज बी फॉर गिविंग, और हमेशा जो है क्षमाशील होने के लिए, क्षमाशील बनने के लिए, एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी चमक, जैसे दिन में सूरज की रोशनी चमकती है, वैसे हम जो है अपनी लाइफ में क्या करें, थोड़ी सी चमक को जो है ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। टू द वर्ल्ड, किसमें, उस संसार में थोड़ी सी चमक जोड़ने के लिए, व्हिच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक अनदर चांस चाहिए, एक दूसरा मौका चाहिए। आगे हमारा कवि क्या कहता है कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए कभी भी निराश होकर मत छोड़िए। सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर, इसलिए कभी भी निराश होकर जो है किसी चीज़ को छोड़िए मत। एंड थिंक यू आर थ्रू, और आप ये सोचो कि आप जो है कर सकते हो इसको। फॉर दियर्स ऑलवेज ए टुमारो, और हमेशा एक ऐसा जो है कल जरूर आएगा। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और आशा करता हूँ कि आप जो है वो जो अगला कल आएगा उसमें आप जो है अच्छा सा जो है नया स्टार्ट कर पाओगे। तो इसमें यही चीज़ कह रहा है कवि कि हमको जो है किसी चीज़ को, सो नेवर गिव अप इन डिसपियर, कभी भी हमको निराश होकर, डिसपियर निराश होकर किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। ये सोचिए कि आपने कम से कम करके असफल हुए, तो इसलिए जिस प्रकार एक अंधेरी रात के बाद एक अगली कल होती है, एक अगला सुबह आता है, उसी प्रकार जो आपने सोचा है वो नया स्टार्ट करने का, वो नया नया पाने का, वो आप जो है नया स्टार्ट कर पाओगे। इसके जो पोएट हैं वो हैं हमारे हेलन स्टीनर राइस, और ये कविता जो है हमें लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और बहुत ही अच्छी कविता है। इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमको जीवन में जो है कभी भी कितनी भी असफलता मिल जाए तो हमको निराश नहीं होना है, और कभी भी हमको गिव अप नहीं करना है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।